आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन में मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस साल 22 में एम्स में 450 सीट्स बढ़ने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कौन से एम्स में कितनी सीटें बढ़ेंगी, इससे कट ऑफ पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ एम्स की, और इसमें हमें एम्स में एडमिशन लेने से क्या फायदा है। सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट को ये रहता है कि हम एम्स में एडमिशन लें या फिर हमारे स्टेट की पुरानी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें, तो ये डाउट मैं आपका दूर करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ऑल इंडिया, स्टेट, आयुष, वेटनरी, इन सब के बारे में मेरी बुक अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल चोपड़ा एजुकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। एम्स के बारे में भी राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है, इसके बाद में बाकी ऑल इंडिया की भी राउंड वाइज कैटेगरी वाइज सभी 302 कॉलेजेस की कट ऑफ दी गई है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दी गई है, इसमें फीस स्ट्रक्चर, सीट मैट्रिक, सर्विस बॉन्ड, इसके बारे में पूरी जानकारी इस बुक में अवेलेबल है। काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी अवेलेबल है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप अपने डाउट्स भी हमारे से दूर कर सकते हैं, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कौन से एम्स में कितनी सीट बढ़ेंगी। तो देखो अभी तक 21 तक के टोटल 20 एम्स थे जिसमें 2037 सीट्स थी। अब इसमें 7 सीट्स एम्स दिल्ली में एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए हैं, तो उनको अगर हम मिलाते हैं तो 2044 सीट्स ये हो जाती हैं अभी तक 20 एम्स में। अब जो 2020 में है इसमें 450 सीट्स और ऐड होंगी, यानी कि दो न्यू एम्स ऐड हो रहे हैं, तो उसमें 50-50 सीट्स ऐड होंगी, तो टोटल 100 सीट्स इन न्यू एम्स में हो जाएंगी। अब 20 और 21 में जो न्यू एम्स एस्टेब्लिश हुए थे उनके अंदर 50-50 सीट्स अवेलेबल हैं, जम्मू को छोड़ के। एम्स जम्मू में 62 सीट्स अवेलेबल हैं, बाकी सभी में 50-50 सीट्स हैं। तो ये इस बार 100 सीट्स होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि इन सारे एम्स में, हरेक एम्स में 50-50 सीट्स और बढ़ने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ये पिछले साल नहीं बढ़ी थी इसलिए इस बार इंक्रीज होंगी ये सीटें। तो ये टोटल 5 एम्स में 250 सीट्स और ऐड हो जाएंगी इसमें। इसके बाद 2019 में और 18 में जो एम्स एस्टेब्लिश हुए थे, देवगढ़, बठिंडा, बीबी नगर और रायबरेली, इनमें सभी में 100-100 सीट्स है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के फेवर में इसमें 25 सीट्स और इंक्रीज होनी है जो अभी तक नहीं हुई है, और वो सीट इसी साल इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। तो इन चार एम्स में टोटल 100 सीट्स और इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, तो इसमें टोटल 100 सीट्स इंक्रीज हो जाएंगी, तो हमारे पास टोटल 450 सीट्स हो जाएंगी एम्स में। यानी कि टोटल एम्स में हमारे पास में इस साल जो सीटें इंक्रीज होंगी वो 450 सीट्स होंगी। टोटल 22 एम्स में पहले अभी इसमें 450 सीट्स और ऐड हो जाएंगी, तो इसमें 2494 सीट्स इस बार हो जाएंगी, यानी कि 2500 के नियर बाई ये सीट सारे एम्स में, टोटल 22 एम्स में हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और ये इस साल सीटें इंक्रीज होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करें कि हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है बार बार, मेरे पास भी काफी सारे कमेंट्स आते हैं, काफी लोग इस बात से उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्या करें हम, पुराना मेडिकल कॉलेज लें या फिर एम्स लें, उसमें एम्स नया भी हो सकता है, 2019-18 का भी हो सकता है, तो कौन सा एम्स लें, कौन सी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले स्टेट की। तो इसमें मैं आपको बता दूं, देखो एम्स में अभी मैंने रिसेंटली आपको एक वीडियो अपलोड करके बताया था कि एम्स में इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस इस बार से मिल रहा है स्टूडेंट को, यानी कि 50% उनको इंस्टीट्यूशनल कोटा मिलने जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस उनको मिलने जा रहा है 50%, यानी कि एम्स पीजी की एग्जाम जो INICT द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, एम्स दिल्ली द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है INICT की एग्जाम,
तो ये दो सेशन में होती है, जनवरी सेशन और जुलाई सेशन में। तो इसमें जो इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस होता है एक सेशन में 20-25% तक स्टूडेंट को मिलता है, तो दोनों सेशन में इनको 50% तक फायदा हो जाएगा, यानी कि 50% उनको इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और अभी टोटल जो 12 AMs है, जो 12 AMs है अभी तक, जो पुराने 12 AMs है उनमें पीजी कोर्स रन हो रहे हैं। पिछले साल 8 AMs में ही हो रहे थे, इस बार 4 AMs में और हो रहे हैं। और ये जो आप जब तक MBBS करोगे इन एम्स से, तब तक बाकी एम्स में भी पीजी कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो टोटल इन 12 AMs में पीजी कोर्स हो रहे हैं, बाकी में भी हो जाएंगे। तो आपको इसमें एडमिशन लेने में काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि फायदा कैसे होगा, एक तो पीजी के लिए ऑल इंडिया से आप नीट पीजी से ऑल इंडिया कोटा की 50% सीट पर इलिजिबल हैं। 50% सीट बहुत होती है, 50% सीट ऑल इंडिया से आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग में इलिजिबल हैं, और 50% स्टेट की में है। तो आपको जब एम्स से एमबीबीएस करोगे तो स्टेट कोटा तो मिलेगा नहीं, लेकिन ये 50% कोटा आपके लिए काफी है। इसके अलावा अगर आप एम्स से एमबीबीएस करते हैं तो एम्स का 50% इंस्टीट्यूशनल कोटा आपको जरूर मिलेगा। तो ये जब इतना कोटा मिलेगा आपको तो फायदा होगा। अभी नए और पुराने एम्स की बात करें तो जो नए वाले एम्स हैं वो भी धीरे धीरे स्टेब्लिश हो रहे हैं और अच्छे कंडीशन में हो जाएंगे। उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, टीचिंग फैसिलिटी अच्छा होगा, क्योंकि एम्स का अपना खुद का बजट होता है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जब आप न्यू एम्स में भी एडमिशन लेते हैं। तो जो पुराने एम्स थे, राजकोट था, मदुरई था, सॉरी जो नए एम्स हैं राजकोट है, मदुरई है, ये दूसरी लोकेशन में चल रहे थे, इस साल से ये अपने लोकेशन में स्टार्ट हो जाएंगे। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका है, तो ये आने वाले समय में इनकी और ज्यादा रेपुटेशन हो जाएगी, अच्छे एम्स हो जाएंगे। तो आपको एम्स में एडमिशन लेने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपको फायदा ही फायदा है। अब हम बात करें कट ऑफ की, इसकी कि एम्स कितनी कट ऑफ पर मिल सकता है। तो मैं आपको एम्स की यहां लास्ट कट ऑफ बताऊंगा, जो मोपअप राउंड की कट ऑफ होगी, क्योंकि हमें पता है इस बार जो होना है वो मोपअप राउंड तक ही क्लियर होगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीटें बहुत ही कम जाने की पॉसिबिलिटी है, और एम्स की तो बहुत ही कम सीटें जाएंगी, जो नए एम्स होंगे उसी की जाएंगी। जो दो नए एम्स हैं, हो सकता है मदुरई की सीट भी चली जाएगी कुछ स्ट्रे वैकेंसी में, लेकिन बहुत कम जाएंगी इस बार स्ट्रे वैकेंसी में। तो हम यहां मोपअप राउंड तक ही लेके चलते हैं। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है 620 मार्क्स जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है लास्ट एम्स को। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 613 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है मोपअप राउंड तक लास्ट एम्स की। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 610 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है। अगर हम एससी की बात करें तो 505 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है। एसटी की अगर बात करें तो 495 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है एम्स के लिए लास्ट राउंड की। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, रिजल्ट आने के बाद में कितनी रैंक कितने मार्क्स पर आती है उससे पूरा डिसाइड होगा। मैं आपको यहां इनिशियली एक आपको आइडिया दे रहा हूं कि इतने नंबर तक आपको एम्स मिल जाएगा। तो आपको एम्स में एडमिशन लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको 50% ऑल इंडिया कोटा का कोटा मिलेगा पीजी की कंडीशन में, और 50% एम्स का प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये जानकारी थी एम्स के बारे में। काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में डाउट था, मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।